सब्सक्राइब कीजिए ABCD सब कुछ चैनल को, और प्लम्बिंग का नया से लेकर पुराना हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपका मोबाइल में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका ABCD सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बशीर अहमद खान। दोस्तों, अगर आपका पाइप ड्रिल हो जाता है या फिर क्रेक हो जाता है या फिर कुछ भी टाइल्स के अंदर लीकेज होता है तो आपको कैसे रिपेयर करना चाहिए वो बताऊँगा। मतलब ये जो वीडियो है ना, सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ऐसे वीडियो देखे हुए तो आपको भी बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। और बहुत सारे भाई मुझे गाली भी दिए थे क्योंकि इसका वीडियो मैं पहले बना चुका था, प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन उस टाइम आइडिया आया था जो ये बताना चाहिए, बताया था। लेकिन बहुत सारे भाई बोल रहे प्रैक्टिकल दिखाओ, झूठ बोल रहे, बहुत सारा गाली पड़ा था। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता पाऊँगा जो इसमें लीकेज है। पहले देख लीजिए, इस लीकेज तोड़ फोड़ के मैं रिपेयर करूँगा, कैसे फिटिंग करूँगा, ज़रूर पूरा बने रहिएगा। और अच्छा नहीं लगता है ज़रूर डिसलाइक कर दीजिए, और अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और मैं झूठ बोला था कि सही बोला था, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं पहले एक साइड पूरा टाइल्स के लेवल में कटिंग कर लिया हूँ, और एक साइड इधर मैं कटिंग करूँगा। इसमें आप देख लीजिए, ये जो है ना, एक चीज़ बता देता हूँ, इधर कंसील के अंदर हमेशा इस सब चीज़ में ब्रास एम्प्टी लगाया करिए, PVC एम्प्टी मत लगाइए। मतलब जो सादा एम्प्टी आता है प्लास्टिक का, वो मत लगाइए, उसमें ब्रास थ्रेड वाला जो आता है वो लगाइएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होएगा। आप देख सकते हो ये सादा एम्प्टी था, इसके वजह से क्रेक हो चुका है कैसे, और इसके वजह से ये लीकेज है। तो चलिए सबसे पहले कटिंग वटिंग करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं पानी बंद कर चुका हूँ, और इधर आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये जो है ना, अगर टाइल्स के अंदर हो सके तो टाइल्स के उस साइड भी थोड़ा सा ज़्यादा कंसील काट लीजिए, जिधर आपका जितना फिटिंग जाएगा, उसके बाद आप टाइल्स के लेवल में काटिएगा तो बेहतर होएगा। अब देख लीजिए कितना लेवल में, इतना लेवल में ऐसे बैठा के पूरा सीधा स्ट्रेट काट लीजिए, बहुत ही बेस्ट होएगा। तो मैं कटिंग कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब मैं कटिंग कर चुका हूँ, देख लीजिए आप लोग, एक साइड पूरा लेवल में टाइल्स का कटिंग किया हूँ, क्योंकि लेवल में कटिंग करोगे तो आपका बेस्ट रहेगा, और इन साइड कंसील थोड़ा क्लियर होना चाहिए। और इस साइड भी मैं लेवल में कटिंग किया हूँ। अगर आपका स्पेस ज़्यादा है पाइप का जगह, तो आप थोड़ा बाहर भी कटिंग कर सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन लेवल में कटिंग कर लोगे तो आपका बेस्ट रहेगा। इनसाइड थोड़ा कंसील डिप कर लेना है और कुछ नहीं। उसके बाद आप देख लीजिए, इधर आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, देख लीजिए ये जो मैं नॉर्मली लगा चुका हूँ, और इस सब फिटिंग स्ट्रेट इस सब आप लोगों को देखना पड़ेगा। और एक चीज़ है, ये देखिए लूज है फिलहाल, उस साइड जो कपलिंग है इसमें सॉल्यूशन अभी नहीं दिया हूँ, ओके सॉल्वेंट। और इस सब का सिस्टम ये है, जो अगर आपको पहले किधर फिटिंग करना पड़ेगा, एक साइड आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं इधर फिटिंग कर लूँगा तो मेरा उस साइड प्रॉब्लम नहीं होएगा, और ये स्ट्रेट भी होना चाहिए, ऐसा आपको ध्यान देंगे, पोजीशन के हिसाब से सोच कर पहले करिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होएगा। तो मैं अभी इसमें सॉल्वेंट लगा चुका हूँ, ओके ये देख लीजिए, ऐसा आपको कंसील क्लियर करके सॉल्वेंट लगा देना है। उसके बाद जो है ये पाइप, और ये जो पाइप है ना, आपको परफेक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा, यानी कट टू कट होना चाहिए, या फिर 1-1 mm छोटा होएगा चलेगा। देखिए सबसे पहले मैं इसे लगवा लेता हूँ, मतलब सॉल्वेंट देके एक साइड फिटिंग कर लेता हूँ, ऐसा आपको भी करना पड़ेगा, ओके। दोनों साइड एक साथ फिटिंग करा नहीं जा पाएगा कपलिंग के साथ। सबसे पहले इधर आप देख लीजिए, ऐसे इसे फिटिंग करके पूरा आपको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो पैकिंग है ना, ये बिल्कुल ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कट टू कट होना चाहिए, ओके। आप उसके बाद जो है, ये जो कपलिंग आप देख लीजिए, यही है जादू कारनामा। ये कपलिंग में आप देख लीजिए बॉर्डर नहीं है, दो कपलिंग आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक कपलिंग का बॉर्डर आपको घींच के पूरा लेबल कर देना है, और वही कपलिंग लास्ट में लगवाना है। उसका ज़रूरत है एक फाइल का, ऐसे फाइल आपको रखना पड़ेगा, या फिर करात पत्ती जो होता है 100 ब्लेड, उससे भी आप कर सकते हो, ओके। इसमें से आपको घिस घिस के लेवल कर लेना है, और ये फिटिंग करना पड़ेगा। लेकिन आप 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए पूरा फिटिंग करके, ये फिटिंग जो है 5-10 मिनट बाद करिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि नहीं तो बाद में आपका जो नॉर्मल कच्चा फिटिंग होता है ना, उस सब थोड़ा लूज होने का चांसेस रहता है, इसके वजह से थोड़ा ताकत लगता है। इधर ताकत बोले तो ज़्यादा भी ताकत नहीं लगता है, हल्का फुल्का। चलिए देखिए आप कैसे मैं फिटिंग करता हूँ। उसके बाद अच्छे तरीके से सब में सॉल्यूशन लगाना है, ओके। कपलिंग में पूरा आर पार हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरा आपको लगा देना है। उसके बाद इस पाइप में लॉन्ग लगाना है, मतलब कपलिंग जितना साइज का है उतना लंबा तक आपको लगाना है, और उसके बाद आपको वो पाइप में भी लगा देना है।
और एक साथ पूरा पाइप नहीं, पूरा पाइप फिटिंग होने के बाद एक कपलिंग आपको 5-10 मिनट बाद फिटिंग करना है तो अच्छा रहेगा। ओके, आप फिटिंग का तरीका देख लीजिए, सिंपल सा है, कोई घबराने का चीज़ नहीं है। लेकिन बहुत सारे भाई गुस्से भी हो जाते हैं इस सब चीज़ के लिए। पहले मैं बताया था बहुत पहले, तो उधर मैं प्रैक्टिकली दिखा नहीं पाया था, तो बहुत सारे भाई नाराज हो गए थे जो झूठ बोल रहा है, बहुत सारे अजब अजब बात बोले थे। आप देखिए, एक पकड़ लेना है बस, आप जिधर पकड़ाओगे ना उधर आपका क्लियर होना चाहिए पकड़ के लिए, और बस जितना जाना चाहिए 50% लगा दीजिए आपको मार्किंग करके एकदम टकाटक, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको क्या करना है, ये जो ख़राब गैप दिख रहा है इसमें आपको सॉल्वेंट लगा देना है बस, और क्या है, लीकेज कभी नहीं होएगा ये। इसका इतना आसान तरीका कुछ नहीं है, अगर टाइल्स रहता है, अगर आप नए बंगले में काम करते हो और कहीं ड्रिल या फिर पाइप क्रैक हो जाता है तो आप क्या वो चिपकाओगे उधर, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा ना, उधर आप चिपका तो नहीं सकते ना, क्योंकि नया नया बंगलों में काम होता है और आप चिपका के आ जाओगे। और आप देख लीजिए पानी चालू होने वाला है, और बस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, इतना मैं ही बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। और बाकी जो वीडियो है आप देख सकते हो, ये वाला जो मैं प्रैक्टिकली नहीं बताया था, बस पहले आइडिया आ गया था वो बताया था, और बहुत सारा तालियां गालियां दोनों मिल के पढ़ा है। बस फिर मिलने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।